लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान देश व हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक विजय के उपरांत जिला मंडी के दौरे के दौरान सुंदरनगर से मंडी जाते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया तथा अपना समर्थन प्रकट किया। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर जन आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने न केवल चारों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की बल्कि प्रदेश के सभी 67 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज कर उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा ने न केवल चारों संसदीय सीटों पर जीत हासिल की बल्कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को लगभग 70% वोट मिले जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को 15 लाख वोट प्राप्त हुए थे जबकि इस बार पार्टी को 32 लाख वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों ने देश की बागडोर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोगों ने देश की बागडोर पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का 15 महीनों का कार्यकाल उपलब्धियों तथा सफलताओं से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को भारी बहुमत मिलना प्रदेश सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का परिणाम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की अभूतपूर्व व भारी जीत से चिंतित कांग्रेस नेता जनादेश को स्वीकार करने के बजाय अपनी हार का कारण ईवीएम को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के दौरान ईवीएम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब भाजपा ने जीत हासिल की तो कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम को दोषी ठहराया, जिससे उनकी दोहरी मानसिकता प्रदर्शित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की भारी हार का एक कारण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित तथा तर्कहीन आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इन टिप्पणियों को पूर्ण रूप से नकारा तथा भाजपा के पक्ष में वोट दिए। उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों ने साबित किया है कि वे एक विशेष परिवार के नहीं बल्कि विकास के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार रोहडू तथा रामपुर जैसे कांग्रेस प्रधान क्षेत्रों में भी भाजपा ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। उन्होंने मंत्रिमंडल में अनुराग ठाकुर को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पीआरटीवी के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।